ये अगला इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी चाहिए, मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए पीसीएम में, इंग्लिश में 10th या फिर 12th, और 12th में 50% किसी एक में होना चाहिए। ये बेसिक बेयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जितना अच्छा रखोगे उतनी अच्छी कंपनी मिलेगी, क्योंकि कंपनीज ने अपने अलग अलग क्राइटेरिया सेट करे हुए हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अगर आप एससी एसटी हो तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, नॉट फॉर शिपिंग कंपनीज बट जो की आईएमयू द्वारा आधारित कॉलेजेस हैं, लाइक आईएमयू कोलकाता, आईएमयू चेन्नई, वहां मिलेंगे कॉपेट। इसके अलावा अगर आपने बीएससी करी है तब भी आप आईएमयू सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ है और उसमें साथ में आपके 60% से ऊपर होने चाहिए एवरेज कॉपेट। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किसी के पास बायोलॉजी है, पीसीबी है, तो भैया ओपन बोर्ड से दो आ सकते हो, एलिजिबल बन सकते हो, लेकिन पूरा वापस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देना पड़ेगा। अगर पीसीबी थी आना चाहते हो तो ओपन बोर्ड के अलावा एक और तरीका है, वापस पूरी रिपीट करो, स्टेट बोर्ड से कुछ से मर्ज करो तब आ जाओ। अगर पीसीएम में 60% से कम है तो इम्प्रूवमेंट भरो तब आ जाओ कॉपीड। और जानकारी चाहिए तो प्लीज हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।